हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि जब पंखे को घुमाने से, ठीक है, जिधर घुमा दीजिएगा पंखा उधर घूमने लगेगा। ठीक है, इधर घुमा दिया मैंने, पंखा इधर घूमने लगा। ठीक है, इधर घुमा दिया, इधर घूमने लगा, जबकि पंखे को हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास भी ऐसा दिक्कत आता है कि पंखे को जिधर घुमा दीजिए उधर घूमने लगता है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना, और बिना घुमाए पंखा खुद से घूमना शुरू नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप खुद से घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी विषय पे बात होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दो क्वाइल होते हैं, रनिंग क्वाइल और स्टार्टिंग क्वाइल। ठीक है, तो इसमें से कोई एक क्वाइल कट जाने पे बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग क्वाइल जो है वो कट जाने से पंखा खुद से स्टार्ट नहीं ले पाता, और रनिंग क्वाइल सही होने के कारण से जब इसको घुमा देते हैं आप तो ये रनिंग करता रहता है। ठीक है, तो आज उसको कैसे ठीक करना है उस पर ही हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले क्या करना है, आप इसको अच्छे से खोल दीजिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जला हुआ दिख रहा है। ठीक है, और उससे पहले आपको एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर लेना है। मल्टीमीटर का आपने वीडियो नहीं दिखाया तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा इसको कैसे ऑपरेट करना है। साथ ही मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे देखिए, एक क्वाइल का यानी रेड से रेड जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी आपकी आ रही है। ठीक है, और वहीं ब्लैक से जब मैं करूँगा तो नहीं आने से, क्योंकि क्वाइल एक कटा होना चाहिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कंटिन्यूटी आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे 300 मिला था, यहाँ पे लगभग 200-250 मिलना चाहिए, क्योंकि इसका क्वाइल जो है छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसका क्वाइल थोड़ा सा डिस्टेंस जो ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा तार लगता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबाई डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो लंबाई ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब तार ज़्यादा लग रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और इसमें कम लग रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये टूटा हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहीं पे कहीं टूटा हुआ है, क्योंकि यहीं पे जला हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्लेड या शार्प चीज़ लेना है, कोई भी टूल्स शार्प। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप दोनों में लगाइए। ठीक है, दोनों पे, जैसे कटा हुआ है ब्लैक वाला तो मैंने दोनों पे टच कर दिया, उसके बाद एक प्रोब को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब इससे टच कीजिए, कहीं पे जहाँ पे जला हुआ है उससे मतलब नहीं, हो सकता है कि सिर्फ हल्का सा ये जो रबड़ लगा हुआ ये गल के सटा हो। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं, आप बस टेस्ट कर जाइए। ठीक है, किसी भी एक साइड जहाँ पे बीप आपको मिलने लगे तो क्लियर हो जाए वहाँ से कि आपका क्वाइल जो है, जैसे यहाँ पर सटाने से हर इसी तरह बीप साउंड आपको मिलना चाहिए। इसे वहां देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो तार है यहाँ तक सही जुड़ा हुआ है। अब एक छोड़िए, इसमें से मैंने इसको छोड़ दिया तो कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, लेकिन जब मैंने इसमें सटाया तो इसमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, अब आपको इसे बढ़ते जाना है। ठीक है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इसी तरह बढ़ते 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 इधर से जाते हुए, इधर से ऐसे ऐसे जाते हुए आपको इधर, मतलब इधर से आप बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ते हुए क्लॉकवाइज आपको लास्ट तक आना, कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए, यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक, उसके अगला पे आइए, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप गौर से यहाँ देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो है तार की कनेक्टिविटी कटी हुई है, तो आपको एक जम्पर पहले यहाँ और यहाँ करना है, उसके बाद फिर चेक करना है कि पूरे में कनेक्टिविटी आया कि फिर और कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे दो तीन टूल्स एक साथ पकड़ना पड़ रहा था, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी हुआ हो। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करें। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा स्केच करेंगे आप, ठीक है, और फिर यहाँ स्केच करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक तार का सोल्डिंग करना है आपको।
ठीक है, जहाँ पे आपने स्क्रैच किया है वहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको सोल्डिंग करने का कोशिश करें, सोल्डिंग कोशिश करें कि मजबूत हो, नहीं तो क्या होगा कि जब आपका फैन चलेगा तो हीट होता है थोड़ा सा, और हीट होने से वो टूट भी सकता है। जैसे ये हो गया क्लियर, अब देखिए आपको एक तार से ठीक है, उसका जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर लीजिए कटर के सहायता से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको फिर से वही काम करना है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको जाना है, ठीक है। देखिए अभी भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा, अभी भी कंटिन्यूटी मिसिंग है। तो देखिए यहाँ तक पहले आ रहा था, अब यहाँ पे भी आ गया क्योंकि मैंने डायट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। आप ब्लेड के माध्यम से देख सकते हैं ताकि आपको क्या होगा कि ज़्यादा मतलब कि स्केच ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे पकड़ के आप हल्का हल्का स्पीड दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप हल्का सा स्केच करके तब भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं हल्का हल्का स्केच यहाँ पे किया हूँ, तो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग हो गया, यहाँ मिल रहा है, ये लास्ट है, यहाँ मिलना चाहिए जो कि यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, गौर से देखिए आप, अभी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ये ज्वाइंट किया गया है ये लूज हो, तो आपको ज्वाइंट को बाहर खींचना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे लूज एकदम सीधा सीधे आपको यहाँ लूज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करना है कि यहाँ तक सही मिल रहा है कि नहीं, अगर यहाँ लूज होगा तो फिर आपको यहाँ पे सोल्डिंग करके बाहर तार निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सही है, अब देखिए यहाँ भी सही है, एकदम सही कंडीटी मिला, लगभग 200 के आसपास। मैं इसको हल्का सा हिला रहा हूँ फिर भी ये नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या था, यहाँ वाला ज्वाइंट वीक था और यहाँ की कंटिन्यूटी कटी हुई थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फिर से जोड़ देना है, ठीक है। कोशिश करें आप कि तार जोड़ने के बाद सोल्डिंग भी कर दें, ठीक है। अगर तार आपको लगे कि ये तार सोल्डिंग नहीं हो पाया तो हल्का सा स्केच करें, ठीक है, एकदम हो जाएगा। और इसको भी हल्का सा क्लीन करें, और पहले ट्विस्ट करना है आपको, उसके बाद सोल्डिंग करना है। तो दोस्तों जब अच्छे से बांध दीजिए उसके बाद, जब हो जाने के बाद, ताकि तार खिंचाए नहीं, ठीक है। अब आपको फिर से कंटिन्यूटी चेक करना है कि कोई कंटिन्यूटी गड़बड़ तो नहीं हुआ बांधने के दौरान। आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको लग रहा है कि हाँ एक बहुत गंदा हो गया था, आपने कैसे क्लीन करके फिर से जोड़ा, अगर इस तरह का एक भी दिख जा रहा है तो आप सभी ज्वाइंट को खोल के फिर से क्लीन करके तब आप क्या कीजिए सोल्डिंग कर दीजिए, ताकि लूज होगा तो भी पंखा जलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उसको भी क्लीन कर दीजिए ताकि कंटिन्यूटी आपकी प्रॉपर मिलती रहे, नहीं तो क्या होता है कभी कंटिन्यूटी ज़्यादा बताएगा कभी कम बताएगा, ठीक है। 192 ये सही है, ये लगभग 300 के आसपास था, ये भी सही है 295 के आसपास, ठीक है। तो ज्वाइंट खोल के आप साफ करके जोड़ दीजिए ताकि सही से कंटिन्यूटी आ जा सके। अब देखिए क्वाइल आपका बिल्कुल सही हो चुका है, देखिए यहाँ तो गड़बड़ था लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं था, यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है। अब आपका कटा हुआ यहाँ था, यहाँ आपने कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अगर संभव है तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बार्निश वायर इस पर डाल दीजिए पूरे पे, क्योंकि बारिश की कमी से भी देखा जाता है अक्सर ज़्यादा जल जाता है, अगर रहता है तो थोड़ा सा रुकावट रहता है जलने में, ठीक है। अब मैं इसको फिर से असेंबल करूँगा, फिर आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेड और एक ब्लैक को एक में कर दीजिए, ठीक है। और उसी में जो तार आता है सप्लाई का, दो में से एक तार, कोई भी एक तार को आप वहाँ दे दीजिए, ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। अब इस दोनों लेग को आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ दे दीजिए। ये आपके ऊपर है किसको आप कॉमन बनाएंगे। आप ये दोनों को जोड़ देते तो ये कॉमन हो जाता, ठीक है। अब देखिए आप सप्लाई को क्या करना है, यहाँ दे देना, रेड वाले में, रनिंग वाले में दे दीजिए। यहाँ देने से आपका सीधा घूमेगा क्लॉकवाइज, यहाँ देने से एंटी क्लॉक, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, ये दोनों को एक में जोड़ देते, इस दोनों वायर को एक, ये जैसे इस दोनों के बदले, ठीक है। तो फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ता, वही यहाँ देने से अगर सीधा चलता तो ठीक है, अदरवाइज कैपेसिटर का दूसरे लेग पर देना पड़ता। कोई टेंस कन्फ्यूजन मत रखिए माइंड में, बस आपको क्या करना है, एक लाल और एक काला मिला के कॉमन बना देना है, ठीक है। बाकी दोनों को जो दो बच रहा है, एक लाल और काला, दोनों को कैपेसिटर के दोनों लेग में जोड़ देना है। उसके बाद आपका बस एक ही तार रह जाएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ देने से सीधा चल रहा है तो आपको यहीं रहने दीजिए, अगर उल्टा चल रहा है तो यहाँ दे दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने एक तार अलग रखा है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ कोशिश कर रहा हूँ यहाँ टच करा के दिखाने का, ठीक है। देखिए मैंने सप्लाई दे दिया, ठीक है। देखिए लाल पे मैंने दिया, देखिए सीधा घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं वहीं यहाँ पे देता तो फैन उल्टा घूम रहा, ठीक है। देखिए आप केयर से करें, इस तरह नहीं करें आप, देखिए ठीक है, इस तरह उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप ये टेंशन ना मत रखें माइंड में कि मैंने इन्हीं दोनों को एक में क्यों जोड़ा, आप इन दोनों को भी जोड़ सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रहा हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह की ज़रूरी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए ताकि और भी आपके जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं इस तरह के नॉलेज के लिए, तो उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।